ये देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एकदम झटपट वाले गोलगप्पे लेके आई हूँ। लॉकडाउन की वजह से आप सब लोग जानते हैं कुछ सामान मिल रहा है कुछ नहीं, तो आज हम आपको बताएंगे एकदम झटपट वाले गोलगप्पे कैसे बनाएं। जो सामान घर पे रखा है उसी से हम बनाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे, घर के सामान से बनाने वाले हैं। बहुत ही अच्छे बनेंगे खाने में, बहुत ही टेस्टी होंगे दोस्तों। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे फूले फूले हमारे गोलगप्पे बने हुए, आप खुद देख लीजिए। देखिए ये आप देख सकते हैं कितने कुरकुरे कितने। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विशाखा, विशाखा की दुनिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों गोल गप्पे के लिए पहले हम यहाँ एक बर्तन ले लेंगे, उसमें मैं बारीक जो सूजी आती है बारीक वाली एक कप मैंने ली हुई है, इसको डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच लिया हुआ है चावल का आटा, सिर्फ 1.5 चम्मच ही लेंगे दोस्तों। इससे क्या होगा कि हमारी जो गोल गप्पे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। और यहाँ बहुत ही जरा सा हम नमक डालेंगे, 2 पिंच समझ लीजिए, देखिए बहुत जरा सा नमक डालेंगे। इसी तरह हम बहुत जरा सा यहाँ डालेंगे सोडा, 2 पिंच, ये भी ज्यादा नहीं डालेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। मैं इसमें 2 बड़े चम्मच गरम तेल डाल रही हूँ, मैंने इसको गरम किया तेल को, चीज का ध्यान रखेंगे, ज्यादा नहीं सिर्फ 2 चम्मच डालने हैं। तेल गरम इसलिए हम स्पून की हेल्प से इसको मिक्स कर देंगे पहले तेल को इसमें। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। अब इसका जो हम आटा बनाएंगे वो टाइट होगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं 1 कप पानी ले रही हूँ खाली, और थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और उसको गूंदती जाऊंगी। सूजी जो लीजिएगा याद रखिएगा महीन वाली लीजिएगा, अगर आपके पास मोटी वाली है तो आप क्या करेंगे कि उसको मिक्सर में पीस लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी ली हुई थी, 1.5 चम्मच मैंने चावल का आटा लिया हुआ है, बहुत ही जरा से मैंने यहाँ पे डाला हुआ है नमक, समझ लीजिए 2 पिंच, और 2 पिंच के साथ में ही डाला हुआ है खाने वाला सोडा, बस इतना डाल के मैं, देखिए मैंने बहुत ही जरा पानी से इसको किया, ध्यान रखे गीले ना होने पाए बिल्कुल, हमें इसका टाइट डो बनाना है। ये देखिए मैंने एकदम टाइट टाइट बना लिया है, ये आप देख सकते हैं कितना टाइट है। ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया था, आधा कप पानी में हमारा बच गया है, आधे कप पानी का मैंने यूज किया है, और ये एकदम टाइट डो हमने बना लिया है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, 20 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे, ओनली फॉर 20 मिनट, तब तक चलिए हम अपना पानी बनाते हैं गोलगप्पे के लिए। मैंने धनिया पत्ती ले ली है, क्वांटिटी आप हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं जितना पानी चाहिए, जिसका ऊपर वाला पोर्शन है ये हम हटा देंगे। ये देखिए मैंने हटा दिया, इसको डाल देंगे मिक्सर में 20 से तोड़ के ऐसे। यहाँ पे देखिए मैंने अदरक का टुकड़ा लिया हुआ इतना बड़ा, इसको भी हम 20 से काट के डालेंगे ताकि पीसने में दिक्कत ना हो, पीस जाए अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे मैंने तीखा जितना आपको पसंद हो उतने हिसाब तीखा अपने हिसाब से रखेंगे। मैंने यहाँ पे 4 बड़ी हरी मिर्च ली हुई है, इसका हम पीछे वाला पोर्शन और थोड़ा सा ये आगे वाला पोर्शन कट करके डाल देंगे। आप तीखा ज्यादा पसंद करते तो मिर्ची क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर अपना 1 स्पून, और 1/2 स्पून में यहाँ नमक डाल ली गई, नमक अभी हम आगे भी डालेंगे, इसे 1/2 स्पून ही डाल रही हूँ। ये मैंने देखिए जीरे को पानी में भिगो के रखा था आधे घंटे के लिए, अब हम इसमें डाल देंगे, जीरे को मैंने आधे घंटे के लिए भिगोया था। चलिए अब इसको पीस के लाते हैं। ये देखिए मैंने पीस लिया, सो एकदम हमें फाइन पेस्ट चाहिए, आप देख सकते हैं मैंने एकदम फाइन पेस्ट पीसा है। अब एक बाउल लेंगे, उसमें ऐसे छन्नी लगाएंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा पेस्ट डालते जाएंगे, छानते जाएंगे हम। ये देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से हम पूरा जितना भी पेस्ट है छान लेंगे अपना।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरा पानी निकाल लिया है, अच्छे से देख रहे हैं, निचोड़ निचोड़ के अच्छे से आप सारा पानी निकाल लेंगे। और अगर आप चाहें तो जो ये आपका बच रहा है, ये गूदा टाइप का बोल लीजिए, पेस्ट बोल लीजिए, इसको आप जो आलू भरेंगे वो अपने गोलगप्पे में उसमें भी यूज कर सकते हैं, या मटर, उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी देखिए मैं इसको यूज करूंगी, मैं इसको फेंकूंगी नहीं, अपने मटर में यूज करूंगी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स। एक बार आप भी ट्राई जरूर करिएगा इस तरीके से, फिर आप खुद सोचेंगे कि मैंने एकदम नया बताया आपको। ये देखिए मैंने अच्छे से निकाल लिया, बिल्कुल पानी इसमें अब नहीं बचा है, ये आप देख सकते हैं। तो अब इसमें हम कम से कम 1 लीटर पानी डालेंगे, कम से कम मैं बता रही हूं। ये देखिए मैंने पानी डाल लिया। अब इसमें डालेंगे एक एक करके मसाले। इसमें मैं डालनी पहले तो चाट मसाला 1 स्पून, अगर आपके पास पानी पूरी मसाला है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम पानी पूरी मसाला नहीं है तो मैं नहीं यूज कर रही हूँ, उसमें मैंने चाट मसाला यूज किया पहले तो। अब मैं इसमें यूज कर रही हूँ 1 स्पून आमचूर पाउडर, अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप तीखा बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच कर सकते हैं, मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि मेरे जो हरे मिर्च है ऑलरेडी बहुत तीखे हैं। ये देखिए मैं सब मिक्स कर दिया है। अब हम डालेंगे इसमें नमक, नमक आपके टेस्ट के अनुसार होगा, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। जब हम लोग ने पेस्ट बनाया था अपना धनिया वाला, तो उसमें भी नमक डाला था। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे पहले तो हम। अब दोस्तों इसमें जो बूंदी होती है, इसमें लोग रायता बनाते हैं, वो ऊपर से डाल देंगे। ये देखिए मैंने बूंदी डाल दी है। अगर आप पानी को तुरंत यूज कर रहे हैं तो इसमें आइस क्यूब्स डाल दें थोड़ा, तभी अच्छा लगेगा खाने में, नहीं तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो मैं अभी इस पानी को फ्रिज में रखने जा रही हूँ थोड़ी देर के, जब तक हम पानी पूरी बनाएंगे, ये ठंडा हो जाएगा अच्छे से। ये देखिए दोस्तों मैंने अपनी मटर को उबाल के रख लिया। इस जगह पे आप आलू भी यूज कर सकते हैं, बाई केस मटर ना हो घर पे तो आलू बॉयल करके यूज कर सकते हैं। जो मैं प्रोसेस बताऊंगी वही सेम प्रोसेस आपका आलू में भी रहेगा। इसमें जो मैंने पेस्ट बनाया था उसका थोड़ा सा पेस्ट मैं इसमें डालूंगी, पूरा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा डालूंगी, थोड़ा सा ऊपर से प्याज डालूंगी। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे, पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने मसाला मिक्स कर लिया। अब हम इसमें ऊपर डालेंगे नमक, आपके टेस्ट के अनुसार रहेगा, जितना आप नमक खाते हो उस हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब हम फिर से मिक्स कर लेंगे नमक को। आप चाहे तो स्पून की जगह हाथ के हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों आपकी मटर भी रेडी हो गई है। यकीन मानिए बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, जो हम लोग बचा हुआ पेस्ट डाल देते हैं पानी वाला, बहुत ही अच्छा आता है। चलिए अब पानी पूरी बनाते हैं, हमें 20 मिनट भी हो चुके हैं, आटा हमारा रेडी होगा। चलिए आटा ओपन करते हैं। ये देखिए कितना टाइट हो गया, हमें जैसा टाइट चाहिए था। अब इसको हम एक बार ऐसे ऐसे तोड़ के अच्छे से कर लेंगे कि ताकि मिक्स हो सके। 5 से 8 मिनट के लिए हम इसको ऐसे करेंगे अच्छे से। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये मैं 5 से 8 मिनट तक इसको करूंगी इस तरीके से। ये देखिए मैं 5 से 8 मिनट हो गए, मैं ऐसे कर रही थी बराबर। अब मैं इसको अच्छे से एक डो की तरह कर लूंगी फिर से। अगर आप क्वांटिटी ज्यादा बनाना चाहते हैं तो जो मैंने मेजरमेंट से बताया है उसका मेजरमेंट आप बढ़ा देंगे, उस हिसाब से बना लेंगे। यहां पे मैं 2 पार्ट कर लूंगी इसके। ये देखिए दोस्तों हम एक लोई ले लेंगे अपनी। एक चीज मैं आपको यहां और बता देती हूँ फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है तेल गर्म होने के लिए। हमें यहाँ पे जो तेल चाहिए होगा वो अच्छे से गर्म चाहिए होगा, जिसमें जैसे तेल हम लोग गर्म करते धुआं नहीं निकलने लगता, सेम वैसा वाला तेल चाहिए हमें। ये देखिए अब इसके ऊपर हम थोड़ा सूखा दोनों तरफ से इसको बेल लेंगे, एक बड़ी पूड़ी तरह बेल लेंगे। इसको पतला बेलेंगे, ज्यादा मोटा नहीं बेलेंगे। मोटा बेलने से क्या होगा, अगर आप मोटा बेलेंगे तो कई जगह से फूलेंगी, कई जगह से नहीं फूलेंगी तो वो अच्छी नहीं लगेंगी, तो इसे हमें पतला बेलना है।
ये देखिए मैं एकदम पतला पतला बेल रही हूँ। जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला बेलेंगे, एकदम ही पतला मत कर दीजिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये देखिए मैंने पतला पतला बेल लिया है, इतना पतला मैंने बेला है कि देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट हाथ मेरा दिख रहा है। ये देखिए चकला जो मेरा है वो दिख रहा है, इतना मैंने पतला बेला है। देखिए मोटी से क्या होगा कि जब आप खाएंगे तो खाने में भी बिल्कुल नहीं अच्छी लगेंगी। अब हम क्या करेंगे इसको कट कर लेंगे। आप चाहे तो छोटे छोटे एक एक पूड़ी भी बेल सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटी ग्लेसिया लिया हुआ उससे कट करूंगी। अगर आप चाहें तो कोई ग्लेसिया ले सकते हैं, या जो वो नहीं आता है कुल्फी वाला स्टैंड जिसमें हम लोग कुल्फी जमाते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। ये मैंने इसलिए लिया एकदम, देखिए जो हमारी पानी पूरी होती है इतनी बड़ी होती है, इसलिए मैंने ये अलग लिया हुआ है। आप घर में जो हो आप उससे भी कट कर सकते हैं। ये देखिए अब हम ये साइड वाला आटा निकाल लेंगे, इसको हम यूज कर लेंगे फिर बाद में। ये देखिए आराम से निकालिएगा। अब हमें क्या करना, जो हमारी लोई है देखिए थोड़ी मोटी है, तो हम क्या करेंगे इनको तीन के सेट में रख लेंगे इस तरीके से। और इसके ऊपर हम बेलन चला लेंगे ताकि ये पतली पतली रहे, हमें मोटी नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ही हमें मोटी नहीं चाहिए। आप चाहे तो उसको एक एक भी इस तरीके से देखिए सेट कर सकते हैं। एक आपने लिया ये ऐसे भी बेल सकते हैं। ये देखिए अब इसी तरह अपनी सारी पानी पूरियां निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों हमारी जो गोलगप्पे हैं रेडी, इनको बस फ्राई करने हैं। इससे हमें ढकने अपने कुछ नहीं, डायरेक्ट फ्राई करें। हमें जो गोलगप्पे बनाने हैं एकदम गरम तेल बनाने हैं। देखिए अभी तेल हमारा गरम नहीं हुआ है, जब तक तेल में धुआं ना आने लगे तब तक समझ लीजिए आपका तेल गोलगप्पों के लिए रेडी नहीं है। ये देखिए हमारे तेल से धुआं, ये देखिए दोस्तों तेल से धुआं निकलने लगा है। इसमें हम दो दो करके डालेंगे, एक साथ नहीं डाल देंगे, तीन या चार, सिर्फ दो दो डालेंगे। और हमें यहाँ पे एक इस तरह की लिड की जरूरत होगी जिससे हम ऊपर से तेल डालेंगे इसमें, ऐसे से इसका ध्यान रखिएगा। जल्दी से पलट देंगे। ये देखिए एक मैं और डाल रही हूं उसमें, ऊपर से तेल जरूर डालते रहिएगा। अब इसको भी हम पलट देंगे। ये दो हमारे हो चुके हैं, तो हम निकालेंगे। देखिए फुलके कितने अच्छे बने आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स आपके गोलगप्पे रेडी, देखिए कितने अच्छे बने। मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे, ये देखिए ये आप देख सकते कितने कुरकुरे कितने अच्छे बने हैं। चलिए फिर एंजॉय करिए आप गोलगप्पों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।